हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस विधायकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और सभी लोगों से मिलकर सहयोग करने की अपील की है। हरियाणा और देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर गोहाना, बरोदा और खरखोदा के कांग्रेस विधायक मीडिया के सामने प्रकट हुए। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सभी को राजनीति और पार्टी से ऊपर उठकर काम करना होगा। हरियाणा और देश में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। सरकार को चाहिए कि तुरंत ऑक्सीजन की कमी को पूरा करे और अस्पताल में बेड्स की संख्या को बढ़ाए। हालात ये है कि जो पुराने पेशेंट हैं उनको भी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसकी वजह से डेथ हो रही है। अकेले सोनीपत में ही कितने लोग जो है बगैर ऑक्सीजन के, कल की बात है, भगवान दास इसमें हॉस्पिटल में बगैर ऑक्सीजन के डेथ हुई है, लेकिन सरकार रिपोर्ट भी नहीं कर रही। और इसी प्रकार जो है पलवल में, रेवाड़ी में बगैर ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, हमारा 160 का कोटा है एमटी का, मीट्रिक टन का, डिमांड इन्होंने 200 की है और केंद्र सरकार ने 162 की है, सिर्फ 2 बढ़ाई है। विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि आज सरकारी अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मरीजों के फोन तक उठाने बंद कर दिए हैं। प्रदेश में हालात ऐसे हो चले हैं कि कोविड के नए मरीजों को कहीं भी एडमिट नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, पहले से इलाज करवाने वाले मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते आज प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा का दिल्ली से सटे होने की वजह से दिल्ली के मरीज हरियाणा में इलाज करा रहे हैं। सारे दिल्ली का दबाव, दिल्ली में इतना बुरी तरह कोरोना है कि सारी दिल्ली का दबाव जो है आज हरियाणा में है। और गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, उसके बाद सोनीपत का नंबर आता है। सारा दिल्ली का पेशेंट जो है वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारा पेशेंट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर जो इतना भारी दबाव है, लगभग 5-6 दिन से खानपुर मेडिकल कॉलेज में जो है वहाँ पर कोई नया पेशेंट दाखिल नहीं होता। लोग आते हैं वहाँ पर, लेकिन वाजवाद मिल जाता है, कोई जगह नहीं है। जबकि वहाँ पर जब ये 500 बेड का पानीपत और हिसार में मुख्यमंत्री खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सोनीपत में मेडिकल कॉलेज में उसको इंक्रीज क्यों नहीं करें, या सोनीपत में और जगह क्यों नहीं बनाए जहाँ सोनीपत में दबाव कम, दिल्ली का दबाव कम हो जाए और हरियाणा के लोगों को दाखिला मिले, तो सोनीपत में क्यों नहीं बनाए। ये सब की लड़ाई है, सामूहिक लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। इसमें यदि कांग्रेस पार्टी या और दूसरा और कोई सा राजनीतिक दल है, उनके व्यक्तियों को भी शामिल करके साथ ये लड़ाई लड़े तो और अच्छी बात थी। कांग्रेस विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में लगातार लापरवाहियों की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कोरोना की लड़ाई सभी को एक साथ मिलकर लड़नी होगी। जाहिर है कांग्रेस विधायक ने उपदेश तो बहुत दिए, लेकिन राजनीति करने से भी बाज नहीं आए। गोहाना से सुनील जिंदल, टोटल न्यूज़।